मैं हूं उदय कुमार श्रीवास्तव और आप बिहारी खबर तक देख रहे हैं। आज जिला अधिकारी पूर्वी चंपारण शीर्षक कौशल अशोक का आगमन रक्सौल अनुमंडल में हुआ है और आपको हम कुछ तस्वीरें दिखलाएंगे। अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं शशिकांत तिवारी ने, उन्होंने स्पष्ट एक यहाँ पे न्यायालय की मांग की हुई है रक्सौल करके। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आगे सुलभ न्यास और हर जनता को मिले। 1 तारीख के लिए वहाँ जाना पड़ता है, जनता को एक मुकदमा यहाँ लड़ना पड़ता है। हम चाहते हैं सबको सुलभ न्याय, यहाँ क्यों नहीं स्थापना हो? हमारे नाम पर रक्सौल के नाम पर वहाँ न्यायालय चल रहा है, यह कह करके कि स्थित रक्सौल करके वहीं यहाँ बनना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। सब पदाधिकारी को न्याय पदाधिकारी को यहाँ लोग नहीं बढ़ता, वहाँ बढ़ता है, इसलिए क्या पर यहाँ आ जाए न्यायालय, सबको न्याय। हम अधिवक्ता संघ के सचिव हैं अशोक कुमार झा। DM साहब को हम ज्ञापन दिए हैं, हम और अध्यक्ष जी दोनों आदमी मिलके, और अधिवक्ता हमारे मित्र लोग रव साहब थे, सुधीर जी थे, कर्ण जी थे, सब लोग विद्वान अधिवक्ता हैं, सब लोग मिले हैं। और उनसे हम लोग कहें कि न्यायिक अनुमंडल न्यायिक न्यायालय जो रक्सौल स्थित मोतिहारी चल रहा है, वह मोतिहारी में न चल करके रक्सौल में चलना चाहिए। आम जनता को परेशानी होता है जाने में, आने में, खाना खाने में, सब में काफ़ी पैसा व्यय होता है। यहाँ होगा तो अगल बगल के अनुमंडल के ब्लॉक के थाना के लोग आएंगे, साइकिल से आएंगे या अन्य सवारी से आएंगे, अपने घर से भोजन करके आके अपना केस देखेंगे जाएंगे, कम खर्च में होगा सब चीज़। तो आम जनता के लिए हम लोग किए हैं कि न्यायालय जो मोतिहारी में चल रहा है, मोतिहारी में चलते रक्सौल में, और इसके लिए ज़मीन की उपलब्धता का बात DM साहब बताए हैं कि ज़मीन चिन्हित किया गया है। तो मेरा कहना है कि यहाँ अनुमंडल कार्यालय के बगल में ही पर्याप्त ज़मीन है, जिसमें अनुमंडल न्यायालय का बिल्डिंग बन सकता है, 3 मंजिला 4 मंजिला जितना आवश्यकता होगा बनेगा। बगल में देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, बगल में रहा अधिकारी यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय या भूमि सुधार उच्च माता महोदय या कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, ये लोग बता रहे हैं उधर का जमीन। तो इन लोगों का आवास अगर दूसरे जगह भी हो तो इन लोगों को गाड़ी उपलब्ध है सरकार से, गाड़ी से ही लोग आएगा अपना सपोर्ट करके, सारा कार्यवाही करके लोग जा सकता है। न्यायालय एक परिसर में रहेगा, यहाँ कार्यपालिका का और वहाँ न्यायपालिका का, तो जिस तरह से मोतिहारी में व्यवहार न्यायालय और जिला कार्यालय है, उस तरह से यहाँ अनुमंडल कार्यालय और मंडल न्यायालय पास होगा, जो ज़्यादा सुगम होगा, ज़्यादा सही होगा। और जेल के लिए अधिकारी आवास के लिए अगर जमीन का व्यवस्था गवर्नमेंट करे, अधिग्रहण करे, तो ठीक है। थोड़ा सा ज्ञापन दिखा दीजिए तो आपको DM साहब।